अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, पाकिस्तान अफेयर्स लेक्चर सीरीज में आज हम इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ पाकिस्तान को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपने इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ पाकिस्तान को इस तरीके से देखने के रिसेंट ईयर्स में किस तरह की सिचुएशन रही है, क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े कंट्री को, इसके अलावा कुछ अगर हम सस्टेनेबल जो ग्रोथ है उसको देखना है आपने, GDP ग्रोथ देखनी है, फिजिकल ईयर्स में कितनी रही, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की स्टेटमेंट्स क्या है इकोनॉमी से रिलेटेड, तो इन तमाम चीजों को लेकर आपने जो करंट सिनेरियोज हैं, रिसेंट सिनेरियोज, उनको स्टडी करना है। ठीक है, और इससे जो एक वो इकोनॉमिकल लैंडस्केप बनेगा पाकिस्तान का, आपको उसको अंडरस्टैंड करते हुए, उसकी एक शेप देखते हुए आपने अपने क्वेश्चन एंड आंसर्स को अप्लाई करना है। ठीक है, इसमें आपको मेन अंडरस्टैंडिंग जो है वो इकोनॉमिक कंडीशन की चाहिए, फिजिकल ईयर, मॉनिटरी पॉलिसीज, स्ट्रक्चर चैलेंजेस क्या क्या रहे, GDP रेट्स क्या क्या रहे, जो परफॉर्मेंस है की सेक्टर्स की, ठीक है जी, वो क्या है, इसके साथ साथ जो लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वेस है उसको आपने यहाँ पे स्टडी करना है। इकोनॉमिक सर्वे पाकिस्तान 2023-24 को अगर हम देखें तो पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक सर्वे रहा है 2023-24 का, वो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को हाईलाइट करता है। ठीक है जी, इसके साथ साथ जो कंट्री की इस पूरे जो पूरी साल की जो प्रोग्रेस रही है, वहां पे जो ग्रोथ और इन्फ्लेशन, फिजिकल मैनेजमेंट और सेक्टोरल परफॉर्मेंस वगैरह के हवाले से जो इन चीजों को स्टडी किया गया। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास है GDP ग्रोथ। ठीक है जी, इसमें ये GDP असल में क्या चीज है, GDP हमारे पास होती है एक्चुअली में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है जी, अब ये मेजर करता है एक्चुअली में कि जो जितनी भी वहां पे कोई गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है कंट्री में, उनका स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, तो एक स्पेसिफिक एरिया में, तो उसके एक इंडिकेटर उसका क्या हो सकता है कंट्री की इकोनॉमिक एक्टिविटी में, उसकी ग्रोथ में या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वगैरह में। ठीक है जी, अब GDP हेल्प किस तरीके से करती है, अगर आप देखें तो GDP काफी चीजों में इंपॉर्टेंस है इसकी, इकोनॉमिक ग्रोथ इसमें मेजरमेंट हो सकती है, इसके साथ साथ जो आपके लिविंग इंडिकेटर हैं उसको इम्प्रूव करता है, उस वो आपको इंडिकेट होते हैं इसमें, कंपैरिजन हो सकता है आपका आपके कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ का दूसरे कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ। पॉलिसी मेकिंग में भी ये बहुत ज्यादा हेल्प करती है, आप GDP रेट से एक अपने जो एनुअल फिजिकल ईयर है उसके मैनेजमेंट को देखकर जो पॉलिसी मेकिंग गवर्नमेंट बना रही है वो उसमें काफी हेल्पफुल रहता है। ठीक है जी, अब यहाँ पे GDP ग्रोथ को अगर हम देखें, सबसे पहले इकोनॉमिक ग्रोथ है पाकिस्तान का, जो GDP ग्रोथ रेट 23-24 में जो रिसर्च के जो अकॉर्डिंग नजर आया वो 25% था, रिकवरी फ्रॉम 0.3% ग्रोथ इन 2022-23। ठीक है जी, थोड़ा सा इंक्रीज हुआ इसके रेट में। सेक्टोरियल कंट्रीब्यूशंस को अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर 1.7% ग्रो हुए, जबकि जो क्रॉप यील्ड है और लाइव स्टॉक जो है वो थोड़ा सा उससे इंक्रीज हो गया। आपको ये रेट्स जो है वो अच्छे से करंट सिनेरियो को देखते हुए, जो करंट रिपोर्ट्स हैं उनको देखते हुए फिगर आउट करना है। इंडस्ट्री में 3.7% लार्जली ड्यू टू एनर्जी क्राइसिस, सप्लाई चेन डिस्ट्रीब्यूशन एंड इन्फ्लेशन, तमाम सीनेरियोज ने जो है वो इंडस्ट्री की तरफ इस चीज को अफेक्ट किया और ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया 3.7%। सर्विसेज में रिकॉर्डिंग ग्रोथ ऑफ 3.6% सपोर्टेड बाय टेली कम्युनिकेशन, बैंकिंग एंड ट्रेड। ठीक है जी, इसमें तकरीबन ग्रोथ रेट रहा 3.6% का, सपोर्टेड बाय टेली कम्युनिकेशन, बैंकिंग एंड ट्रेड। इन्फ्लेशन पर अगर हम देखें तो एवरेज इन्फ्लेशन रिमेन हाई एट 25-30% इस ईयर में, इन्फ्लेशन रेट जो 25-30% हाई रहा, मेनली ड्यू टू राइजिंग फूड प्राइसेस के इंक्रीज की वजह से, एनर्जी कॉस्ट में इंक्रीज की वजह से, इसके साथ साथ जो रुपए की कदर है वो काफी कम हुई डिवेल्यूशन ऑफ रुपए की वजह से, इन्फ्लेशन का रेट काफी हाई रहा। कोर इन्फ्लेशन को अगर हम देखें, इंक्रीज बाय 15% ड्यूरिंग द हाई प्रोडक्शन कॉस्ट एंड इम्पोर्ट एक्सपेंसिव, इन्फ्लेशन में ऑलमोस्ट 15% इंक्रीज हुई। एक्सटर्नल सेक्टर की अगर बात करें, एक्सपोर्ट्स की डिक्लाइन बट 10% ईयर ऑन ईयर ड्यू टू रिड्यूस ग्लोबल डिमांड एंड कंपटीशन फ्रॉम नेबरिंग कंट्रीज, 10% ईयर ऑन ईयर सालाना तौर पे 10% ऑलमोस्ट जो है वो डिक्लाइन की तरफ, डिक्लाइन का सामना करना पड़ा, और जो ग्लोबल डिमांड है वो काफी ज्यादा डिक्रीज हो गई एक्सपोर्ट्स की, और एज कम्पेयर टू अगर कॉम्पिटिशन देखा जाए नेबरिंग कंट्रीज के साथ तो ऑब्वियसली इसने भी जो रेट है वो बहुत ज्यादा डाउन कर दिया। इम्पोर्ट्स को अगर देखें तो कॉन्ट्रैक्टेड बाय 15% तक इम्पोर्ट रेट जो है वो कम हुआ, ऑन टू रिड्यूस मशीनरी इम्पोर्ट्स एंड रिस्ट्रिक्शंस टू मैनेज बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में, कि मैनेजमेंट में काफी रिस्ट्रिक्शंस रही,
फिस्कल डिफिसिट की अगर हम रेमिटेंस में जो मार्जिनली 5% ग्रो किया और इसके साथ साथ जो इन्फ्लोज थे वो मिडिल ईस्ट और यूरोप के वो ऑलमोस्ट जो है वो इनके इन्फ्लोज की वजह से जो है ये रेमिटेंस काफी ज्यादा अफेक्ट हुआ और 5% तकरीबन जो है वो ग्रो हुआ। फिसल डिफिसिट को अगर हम देखें तो फिसल डिफिसिट में रिकॉर्डेड हमारे पास 7.9% जीडीपी रहा, ठीक है जी, एग्जेसरेटेड बाय सब्सिडीज ऑन एनर्जी एंड सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स। पब्लिक डेट की अगर बात करें कंटिन्यू टू राइज क्रॉसिंग 80% ऑफ जीडीपी पुटिंग एडिशनल प्रेशर ऑन फिसल स्पेस एंड इंक्रीजिंग डेट सर्विसिंग ऑब्लिगेशंस। ऑलमोस्ट 80% जो है वो क्रॉस किया जीडीपी ने, राइज की तरफ ही जाता रहा पब्लिक डेट, पुटिंग एडिशनल प्रेशर ऑन फिसल स्पेस एंड इंक्रीज डेट सर्विसिंग ऑब्लिगेशंस जो रही उनमें काफी ज्यादा प्रेशर हो गया इंक्रीज की तरफ गया। बजट को अगर हम देखें 2024-25 के इसकी की हाइलाइट्स अगर हम देखें तो फेडरल बजट 24 ने फोकस किया था ज्यादा किस चीज के ऊपर, इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए, जो टैक्स कलेक्शन है उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसके साथ साथ रिलीफ टू वल्नरेबल सेगमेंट्स ऑफ पॉपुलेशन को कहाँ कहाँ पे किस सेक्टर में रिलीफ देना है, इसके साथ जो की एरिया थे वो टैक्सेशन था, सब्सिडीज और डेवलपमेंट ऑफ स्पेंडिंग। रेवेन्यू मेजर्स में जो टैक्स कलेक्शन टारगेट था वो पीके 10 ट्रिलियन ऑलमोस्ट रखा गया पाकिस्तानी रुपये, लेकिन इसका फोकस जो है वो टैक्स टू जीडीपी रेशियो 13.5% की तरफ था। न्यू टैक्स मेजर्स को अगर देखें तो जो वेल्थ टैक्स था हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स की, ठीक है, सेल्स टैक्स ऑन लग्जरी गुड्स इंक्रीज फ्रॉम 17% to 20%, इनकम टैक्स ब्रैकेट जो है वो एडजस्ट हुए और ज्यादा इसमें जो हाई इनकम ग्रुप्स थे जो अपर क्लास तबका था उसके ऊपर ज्यादा इसको नेगेटिव वाले टैक्स ब्रैकेट जो है वो एडजस्ट किए गए। एक्सपेंडिचर एलोकेशन को अगर हम देखें तो डिफेंस बजट तकरीबन 10% तक इंक्रीज किया गया, 1.85 ट्रिलियन एलोकेट किया गया पाकिस्तानी ड्यू टू राइजिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस की वजह से डिफेंस बजट इंक्रीज हुआ। पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट पीएसडीपी में एलोकेट किया गया ऑलमोस्ट 1.4 ट्रिलियन रुपीज फोकसिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, इसके साथ साथ जो सीपैक है वहां पे जो रिक्वायरमेंट थी उसके लिए यहाँ पे ऑलमोस्ट 1.4 ट्रिलियन रुपीज जो है पाकिस्तानी वो एलोकेट किए गए। सोशल वेलफेयर को अगर देखें तो ऑलमोस्ट 12% इसको एक्सपेंड किया गया जिसमें 450 बिलियन बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए जो है वो मुख्तस किए गए। सब्सिडीज और रिलीफ कैंप मेजर्स को अगर देखें तो एनर्जी सब्सिडीज ऑलमोस्ट 600 बिलियन एलोकेट किए गए, जो राइजिंग इलेक्ट्रिसिटी प्राइस है और लो इनकम हाउस होल्ड है उनके ऊपर जो रिलीफ देने के लिए सब्सिडी दी गई उसके लिए ऑलमोस्ट 600 बिलियन एलोकेट किए गए। ओके जी, एग्रीकल्चर सपोर्ट को अगर देखें तो स्पेशल इंसेंटिव इंक्लूडिंग सब्सिडीज फर्टिलाइजर एंड सीड्स टू हेल्प फार्मर्स कोप विद राइजिंग इनपुट कॉस्ट। फार्मर्स को सब्सिडीज देने के लिए एग्रीकल्चर सपोर्ट के लिए यहाँ पर कुछ रकम जो है वो मुख्तस की गई। डिफिसिट फाइनेंसिस को देखें तो फिसल डिफिसिट में आपके पास प्रोजेक्टेड 6.2% जीडीपी थी, ठीक है, विद द गवर्नमेंट रिलाइंग हेविली ऑन बोरिंग फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज सच एज IMF एंड वर्ल्ड बैंक। काफी ज्यादा खसारे का सामना करना पड़ा, जो जीडीपी है वो ऑलमोस्ट 6.2% की तरफ गया जो बिकॉज के गवर्नमेंट का ज्यादा रिलाय जो है वो एक्सटर्नल सोर्सेज की तरफ रहा, IMF से फंडिंग ली या वर्ल्ड बैंक से फंडिंग ली और फिर उनके ओवरसी जब वो डेट पे करने पड़ते हैं तो वो एक लॉस की तरफ ही कंट्री को लेकर जाता है। एग्रीकल्चर सेक्टोरल सेक्टर परफॉर्मेंस को देखें तो इसमें जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें तकरीबन 22% जीडीपी कंट्रीब्यूट की गई और 40% जो है वो लेबर फोर्स के ऊपर जो है वो लगाया गया। एग्रीकल्चर सेक्टर में भी एक बहुत बड़ा, क्योंकि पाकिस्तान का ऑलमोस्ट 60% जो है एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड करता है तो उसके लिए एक बहुत ज्यादा एक इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, एलोकेट करने की जरूरत है, लेकिन उस तरीके से यहाँ पर जो है वो एलोकेशन नहीं हो पा रही है। मेजर क्रॉप्स में देखें वीक तो प्रोडक्शन की जो 4% सपोर्टेड बाय फेवरेबल वेदर कंडीशन एंड सब्सिडीज, तकरीबन 4% जो है वो सपोर्ट रहा उसकी इंक्रीज रही बिकॉज वेदर कंडीशंस काफी सुटेबल थी और कुछ सब्सिडीज का भी फायदा हुआ। शुगर केन और कॉटन की अगर देखें जो मेजर क्रॉप्स हैं उनमें शुगर केन कॉटन डिक्लाइन ड्यू टू वाटर शॉर्टेज एंड पेस्ट इन्फेस्टेशंस की वजह से और वाटर शॉर्टेज की वजह से इसकी पैदावार में काफी कमी आई। चैलेंजेस वाटर स्कार्सिटी का, लो प्रोडक्टिविटी का रहा सामने, जो क्रॉप यील्ड्स हैं उनके प्रोडक्शन के लिए वाटर बहुत ज्यादा नेसेसरी है लेकिन अगर वाटर स्कार्सिटी की तरफ वो पानी की किल्लत की का सामना अगर करना पड़ जाए तो ये चीज क्रॉप यूज में बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है और उनकी
जो प्रोडक्शन है बहुत ज्यादा उसको लो कर देती है. लो प्रोडक्टिविटी स्टैग्नेशन ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल अडॉप्शन एंड मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. ठीक है जी, मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस नहीं है, एक स्टैग्नेशन चल रही है. जो पुराने तरीके चले आ रहे थे उन्हीं को फॉलो किया जा रहा है, वो न्यू टेक्नोलॉजी के साथ कोप नहीं कर पा, न्यू टेक्नोलॉजी उनके को अडॉप्ट नहीं कर रहे, उसके साथ प्रॉब्लम्स को कोप नहीं किया जा रहा है. तो ये चीज भी लीड करती है लो प्रोडक्टिविटी की तरफ. इंडस्ट्रियल सेक्टर की अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हुआ और कंट्रीब्यूट किया 19% जीडीपी की तरफ. इसमें मैन्युफैक्चरिंग में 3.5% ऑलमोस्ट डिक्लाइन रहा. ठीक है जी, प्राइमरीली टू एनर्जी शॉर्टेजेस एंड हाई इनपुट कॉस्ट. हाई कॉस्ट की वजह से, एनर्जी शॉर्टेजेस की वजह से इंडस्ट्रीज प्रॉपरली अपने टारगेट्स पूरे नहीं कर पाए. मैन्युफैक्चरिंग में जो है वो डिले आया, इस वजह से जो 3.5% ऑलमोस्ट डिक्लाइन रहा इसकी जीडीपी में. टेक्सटाइल इंडस्ट्री को अगर देखें तो परफॉर्मेंस वॉज बिलो एक्सपेक्टेशन. परफॉर्मेंस ऑब्वियसली लो तो जा रही थी, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन थी कि इतनी कमी आएगी उससे भी ज्यादा लो की तरफ गया. ठीक है जी, ड्यू टू रेडियस एक्सपोर्ट ऑर्डर्स रिड्यूस हो गए. एक ऐसा कंट्री जहां पर बेसिक फैसिलिटीज या बेसिक टेक्नोलॉजी, बेसिक जो एक नीड है इंडस्ट्री को रन करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी या रेट्स वगैरह जो कॉस्ट प्राइसेस हैं, उनकी वजह से इन्वेस्टमेंट ऑब्वियसली बहुत ज्यादा डाउन हो सकती है और वो डाउन हुई भी, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट ऑर्डर्स नहीं मिले और परफॉर्मेंस जो है वो बिलो एक्सपेक्टेशन जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की चली गई. इंक्रीज प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज होने की वजह से एंड कंपटीशन फ्रॉम बांग्लादेश एंड इंडिया के, बांग्लादेश और इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज्यादा ग्रूम कर रही है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान. पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने बहुत ज्यादा ग्रूम किया, बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव जो है वो प्रोग्रेस शो की. बट बिकॉज ऑफ दीज रीजन रिड्यूस एक्सपोर्ट ऑर्डर्स, इसके साथ साथ प्रोडक्शन कॉस्ट, ये तमाम चीजें जो कंपिटिटर्स हैं उन्हें बेनिफिट देगी और उनकी प्रोडक्शन ज्यादा हुई, उनके पास ज्यादा जो है वो प्रोजेक्ट्स गए, जबकि पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज्यादा लो रेट की तरफ गई. कंस्ट्रक्शन सेक्टर को अगर हम देखें तो मॉडर्न एज राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स एंड इन्फ्लेशन लिमिटेड इन्वेस्टमेंट इन हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स. जो राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स थे और इन्फ्लेशन जो है वो लिमिटेड इन्वेस्टमेंट हुई हाउसिंग की तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की वजह से, तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी जो है वो मॉडरेट एक सिचुएशन हुई. सर्विस सेक्टर को अगर हम देखें ओवरव्यू, तो जो सर्विसेज सेक्टर है शो रेजिलियंस, ग्रोइंग बाय 3.6% एंड कंट्रीब्यूटिंग 58% टू जीडीपी. सर्विस सेक्टर में ऑलमोस्ट 58% कंट्रीब्यूशन रही सर्विसेज सेक्टर की. ठीक है, इसने रेजिलियंस काफी शो की और 3.6% इसमें ग्रोइंग रेट रहा. टेली कम्युनिकेशन को अगर देखें, कंटिन्यूड एक्सपेंशन इज ड्रिवन बाय इंक्रीज मोबाइल इंटरनेट पेनिट्रेशन. टेली कम्युनिकेशन में एक जो है वो एक्सपेंशन देखने में आई बिकॉज ऑफ इंक्रीज मोबाइल एंड इंटरनेट पेनिट्रेशन. मोबाइल इंटरनेट एक परसिस्टेंट यूज है, इसकी वजह से एक इंक्रीज देखने में आया. बैंकिंग सेक्टर को अगर देखें तो बैंकिंग सेक्टर में परफॉर्म वेल ड्यू टू हायर इंटरेस्ट रेट्स विच बूस्टेड प्रॉफिटेबिलिटी. जो हायर इंटरेस्ट रेट था उसकी वजह से जो प्रॉफिटेबिलिटी वो इंक्रीज रही और इसकी परफॉर्मेंस काफी बेहतर रही. टूरिज्म को अगर देखें, ग्रेजुअली रिकवरिंग आफ्टर द इम्पैक्ट ऑफ COVID-19 विद अ फोकस ऑन प्रमोटिंग डोमेस्टिक टूरिज्म. COVID-19 में ये काफी डाउनफॉल रहा, लेकिन ग्रेजुअली टूरिज्म ने भी जो है वो रिकवर करना स्टार्ट कर दिया. नेक्स्ट ये अगर हम देखें एक्सटर्नल इकोनॉमिक रिलेशंस को, एक्सटर्नल इकोनॉमिक रिलेशंस, सबसे पहले हमारे पास सीपेक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर. इसको आपको कंप्लीट एक अलग से लेक्चर में इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये एक्चुअली में क्या चीज है, किस कौन सा एक प्रीवियस सिनेरियो था जो कि आगे इनिशिएटिव BRI आगे फर्दर इसमें प्रोग्रेस हुई है, ये क्या चीज है. तो ये ऑलमोस्ट आपके हर क्वेश्चन में कोरिलेट करता है, तो इसको आपको अलग से सेपरेटली अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है. अभी हम अपने क्वेश्चन से अगर लिंक करके देखें तो जो CPEC है वो किस तरीके से अफेक्ट कर रहा है. सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस हुई वॉज मेड इन ग्रोथ एंड एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर अंडर CPEC फेज टू, फोकसिंग ऑन इंडस्ट्रियल कॉपरेशन. इंडस्ट्रियल कॉपरेशन के ऊपर फोकस किया ज्यादा CPEC ने. ठीक है जी, एनर्जी प्रोजेक्ट्स की अगर बात करें, सिविल एनर्जी प्रोजेक्ट्स वर कंप्लीटेड कंट्रीब्यूटिंग टू एन इम्प्रूवमेंट इन द नेशनल ग्रिड्स कैपेसिटी. बहुत सारे एनर्जी प्रोजेक्ट्स जो है वो कंप्लीट हुए. ठीक है, और इसने कंट्रीब्यूट किया जो नेशनल ग्रिड्स कैपेसिटी है, जो इलेक्ट्रिक नेसेसिटी है उसकी तरफ काफी ज्यादा इसने कंट्रीब्यूशन की. चैलेंजेस को अगर देखें, चैलेंजेस जो फेस करने पड़े तो उसमें डेप्थ सर्विसिंग है और रिपेयरिंग कंसर्न्स हैं.
along with security issues in Balochistan remain hurdles to realizing CPEC's full potential. Full जो potential है CPEC का उससे फायदा actually में नहीं उठाया जा रहा because of जो debt servicing है, जो repay करने repayments रहती हैं, इसके साथ साथ जो security issues हैं बलूचिस्तान के अंदर, ये तमाम के तमाम hurdles create कर रहे हैं CPEC की full potential को दिखाने में. रिलेशन विद IMF को अगर देखें तो इकोनॉमी में IMF का एक बहुत बड़ा रोल है पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन को अगर देखें तो. बेल आउट प्रोग्राम IMF का है वो किस तरीके से है कि पाकिस्तान की रिलायंस है ऑन द IMF फॉर अ बेल आउट पैकेज हैज इंफ्लूज इकोनॉमिक पॉलिसी विद IMF डिक्टेटिंग स्ट्रिंजेंट कंडीशंस इंक्लूडिंग सब्सिडी कट फिशियल डिसिप्लिन एंड स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स. जितना भी पाकिस्तान का एक रिलाय हो रहा है IMF के ऊपर, उसका जो एक बेल आउट पैकेज है उसने इकोनॉमिक पॉलिसीज को बहुत ज्यादा अफेक्ट किया है. ठीक है, क्योंकि जितनी भी पॉलिसीज बन रही हैं बनाई जाएंगी वो उनके डेट को और इन तमाम चीजों को देखते हुए बनाई जाएंगी. तो जो नीड है कंट्री की बेसिक, जो पॉपुलेशन की बेसिक नीड है, जो डोमेस्टिक इकोनॉमी की नीड है, उन चीजों को कोप करना इसकी वजह से बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है, चाहे वो मौजूदा गवर्नमेंट हो या प्रीवियस गवर्नमेंट हो या उससे पहले गवर्नमेंट हो. बिकॉज ऑफ दीज हाई डेट्स इन बेल आउट प्रोग्राम्स की वजह से ये चीज बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रही है. विद द IMF डिक्टेटिंग स्ट्रिक्ट कंडीशंस, जो उनकी कंडीशंस हैं टर्म्स एंड कंडीशन बहुत ज्यादा हार्ड उन्हें फॉलो करना, और उनकी वजह से जो सब्सिडी है सब्सिडी भी काफी जगहों पर रिड्यूस कर दी गई है. तो ये तमाम चीजें जो है वो इसको जो इकोनॉमिक सिनेरियो है उसको बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रही है. फ्यूचर बोर्डिंग की अगर हम बात करें, पाकिस्तान सिक्योर एडिशनल लोन्स ऑफ 3 बिलियन टू मेक फिशल एंड फॉरन एक्सचेंज चैलेंजेस. ऑलमोस्ट जो लोन लिए गए हैं बैरूनी मुल्क जो कर्जा लिया गया वो ऑलमोस्ट 3 बिलियन तक पहुंच चुका है टू मेक फिशल एंड फॉरन एक्सचेंज चैलेंजेस के लिए. ट्रेड रिलेशनशिप्स को अगर देखें तो ट्रेड रिलेशनशिप्स में सबसे पहले ट्रेड डेफिसिट्स है. ठीक है जी, रिड्यूस स्लाइटली बट रिमेन्स अ मेजर कंसर्न ड्यू टू लो एक्सपोर्ट एंड हाई इम्पोर्ट बेस, पर्टिकुलरली एनर्जी इम्पोर्ट. जो एक्सपोर्ट रेट कम होने की वजह से बहुत सारे सिचुएशंस अफेक्ट हो रही हैं, ट्रेड भी बहुत ज्यादा मुतासिर हुई है. लो एक्सपोर्ट्स हैं और हाई इम्पोर्ट बिल्स हैं. ठीक है जी, पर्टिकुलरली एनर्जी इम्पोर्ट, जो पर्टिकुलरली बिजली जो इम्पोर्ट की जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी को इम्पोर्ट किया जा रहा है, ये बहुत ज्यादा हाई कॉस्ट पड़ रहा है और ये ट्रेड डेफिसिट की तरफ लेकर जा रहा है कंट्री को. की ट्रेडिंग पार्टनर्स जो हमारे पास पाकिस्तान के साथ जो वो चाइना है और यूरोपियन यूनियन है, कंट्रीज जिसमें शामिल है. लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर अकाउंटिंग फॉर नियरली 30% ऑफ टोटल इम्पोर्ट. ठीक है जी, ट्रेड पार्टनर बहुत मेजर है, ऑलमोस्ट 30% इम्पोर्ट का जो है वो चाइना से है. यूरोपियन यूनियन में देखें तो मेजर डिस्टिंक्शन है डेस्टिनेशन फॉर टेक्सटाइल एक्सपोर्ट अंडर जनरल स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस GSP प्लस स्टेटस. ठीक है जी, जो GSP है इसके साथ साथ स्टेटस मेजर डेस्टिनेशन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट की जो है यूरोपियन यूनियन के साथ है हमारी. की इकोनॉमिक चैलेंजेस की अगर बात करें, पाकिस्तान को कौन कौन से इकोनॉमिक चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं अगर प्रीवियस नेबरिंग कंट्रीज के साथ या जो वर्ल्ड डोनर्स हमारे पास आ रहे हैं, IMF है या जो वर्ल्ड बैंक जिस तरीके से पाकिस्तान को प्रोवाइड कर रहे हैं, बेल आउट प्रोग्राम्स दे रहे हैं, तो वो तमाम चीजें जो इकोनॉमिक चैलेंजेस पाकिस्तान को फेस करने पड़ रहे हैं उसकी वजह से हेल्प आउट तो हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ जो डेप्थ है वो भी बढ़ता जा रहा है. और इसकी वजह से जो इकोनॉमिक चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं उनमें कौन कौन से हैं, कुछ फर्दर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, पेमेंट का सबसे बड़ा इश्यू कि पेमेंट किस तरीके से बैलेंस की जाए. फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रिमेन लो एट 7 to 8 billion. ठीक है जी, 7 to 8 billion तक लो रहे. कवरिंग बियरली 2 months ऑफ इम्पोर्ट एक्सर्बेटिंग करेंसी वॉलिटिलिटी, और करेंसी वॉलिटिलिटी को ये चीज को बहुत ज्यादा एक्सर्बेट कर रही है. एक्सचेंज रेट डिप्रिसिएशन की डिप्रिसिएशन की अगर हम बात करें, जो एक्सचेंज रेट है वो किस तरीके से अफेक्ट हो रहा है, तो वो भी डिप्रिशिएट हुआ है ऑलमोस्ट 15% अगेंस्ट द US dollar. तकरीबन 15% जो है वो करेंसी रेट नीचे गया. इंक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ इम्पोर्ट्स एंड इन्फ्लेशन की वजह से जो इम्पोर्ट्स की कॉस्ट है और जो इन्फ्लेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है. पब्लिक डेट को अगर देखें तो इसमें राइजिंग डेट, टोटल पब्लिक डेट कॉस्ट रुपया 60 trillion. ठीक है जी, तकरीबन 60 trillion तक ये जा चुका है पब्लिक डेट, पुटिंग प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट्स एबिलिटी टू फाइनेंस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एंड वेलफेयर प्रोग्राम. और ये सब चीजें जो गवर्नमेंट के एबिलिटी पर ऑब्वियसली एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर रही है कि गवर्नमेंट इसमें क्या रोल प्ले कर रही है. डेट सर्विसिंग को अगर हम देखें, कंज्यूम नियरली 50% ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू, ऑलमोस्ट 50% गवर्नमेंट रेवेन्यू जो है वो कंज्यूम हो चुका है, लेकिन नेटिव फोर्सेस फॉर डेवलपमेंट स्पेंडिंग के अब बाकी जो डेवलपमेंट स्पेंडिंग है वो उसमें ऑलमोस्ट कितना लग पाएगा, बहुत ही लिमिटेड सी स्पेस इसमें बाकी रह गई है.
एनर्जी क्राइसिस है। एनर्जी क्राइसिस में हमारे पास सबसे पहले लोड शेडिंग, ठीक है जी, कंटिन्यू पावर शॉर्टेजेस ड्यू टू मिसमैच बिटवीन एनर्जी प्रोडक्शन एंड डिमांड। जो सप्लाई डिमांड है वो सबसे ज्यादा एक बैलेंस सिनेरियो में नहीं है, जितनी सप्लाई है उतनी ही डिमांड, जो डिमांड है उतनी ही सप्लाई नहीं हो पा रही। समटाइम जो सप्लाई हो रही है डिमांड उससे ज्यादा, एक वो बैलेंस या इक्वालिटी वाला सिनेरियो जो है वो नहीं है, जिसकी वजह से जो लोड शेडिंग है, जो पावर शॉर्टेजेस है, वो एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है पर्टिकुलरली इन रूरल एरियाज में। सर्कुलर डेप्थ की अगर हम बात करें, एनर्जी सेक्टर सर्कुलर डेप्थ सर्च पास पी क्या ऑलमोस्ट 2.5 ट्रिलियन की तरफ पहुंच चुका है, इंपैक्टिंग द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द सेक्टर। अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी को अगर देखें, ये किस तरीके से पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन को डिस्टर्ब कर रही है, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑलमोस्ट 7.9% की तरफ चला गया है। ऑलमोस्ट जो यूथ है, यहाँ की यंग है, जो ग्रेजुएट डिग्री होल्डर्स हैं, उनके लिए अनएम्प्लॉयमेंट यूथ के लिए बहुत बड़ा एक ग्रोइंग कंसर्न है। पॉवर्टी लेवल्स ऑलमोस्ट इन्फ्लेशन की वजह से और लो इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से ऑस्टिमेटेड 35-40% ऑफ पॉपुलेशन की तरफ पहुंच चुके हैं, और बहुत से ऑलमोस्ट इतने 35-40% आर एक्चुअली लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन, और उससे ऊपर जो है वो भी इस इकोनॉमिक स्ट्रगल तो कर रहे हैं, लेकिन 35-40% ऑफ पाकिस्तान पीपल आर एक्चुअली लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। कंक्लूजन अगर हम इस सारे सिनेरियो का देखें, तो पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसे एक्चुअली में कैरेक्टराइज हो रही है वो सारी की सारी सिचुएशन, जो ग्रोथ रेट है जीडीपी के ऊपर, हाई इन्फ्लेशन की वजह से, जो राइजिंग डेट्स हैं, जो कर्जे बढ़ रहे हैं कंट्री के ऊपर, जो सिनेरियोस डिफरेंट नेबरिंग कंट्रीज के साथ उसका बन रहा है, ये तमाम चीजें जो है वो मिलकर पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन को उसको कैरेक्टराइज कर रही है कि वो बहुत ज्यादा आप ये कह सकते हैं कि तनाजुदी का शिकार हो रही है। व्हाइल एफर्ट्स हैव बीन मेड थ्रू द फेडरल बजट एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी, अब डिफरेंट प्रोग्राम्स तो अरेंज किए जा रहे हैं ताकि इकोनॉमी को जो है वो स्टेबलाइज किया जा सके। जो चैलेंजेस हैं, जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है, एनर्जी शॉर्टेजेस हैं, रिलायंस एक्सटर्नल डेट के ऊपर रिमेन क्रिटिकल इश्यूज, ये तमाम है तो क्रिटिकल इश्यूज, लेकिन इनके ऊपर ये कोशिश की जा रही है बजट, फेडरल बजट की तरफ से और कुछ डेवलपमेंट प्रोग्राम से, कि इनसे काफी जो वो छुटकारा हासिल किया जा सके। जो सस्टेनेबल ग्रोथ प्रोग्राम्स हैं, रिफॉर्म्स हैं, उन्हें अरेंज किया जा रहा है। फिसल मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने की कोशिश की जा रही है। जो इन्वेस्टमेंट है की सेक्टर्स की तरफ, जैसे कि एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज में, उसको ही बढ़ाया जा रहा है। लेकिन ये तमाम सिनेरियो और सिचुएशन जो है, अभी साथ में अकॉर्डिंग टू अपने क्वेश्चन में, किस तरीके से पाकिस्तान के अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ किस तरीके से रिलेशनशिप आ रहा है, पाकिस्तान के जो जीडीपी रेट्स हैं वो किस तरीके से राइज और डाउन हो रहे हैं, जो एक डोमेस्टिक इकोनॉमी है, जो स्ट्रक्चरल सिनेरियो है इकोनॉमी का, वो तमाम चीजें आपको स्टडी करके अकॉर्डिंग टू दैट सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू दैट करंट सिचुएशन, जो उसको करंट पॉलिसी आपके पास मौजूद है, जो करंट बजट मॉनिटरिंग आपके पास मौजूद है, आपने उसको एनालाइज करते हुए अपने क्वेश्चन में जो है वो अप्लाई करना है। होपफुली ये टॉपिक आपको काफी हद तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह जल्दी अपलोड हो जाएगा। थैंक यू सो मच।